Hello students, welcome all of you in today's class. Today we are going to discuss the 7th chapter of your textbook, Communication, Education and Information Technology. This chapter is again very very important for question and answers as well as for essay. तो अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप प्रिपेयर कर लेंगे या समरी प्रिपेयर कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे भी आपका 10 मार्क्स का प्रिपेयर हो जाएगा. तो दोनों ही टॉपिक्स में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. चलिए देखते हैं हाउ कैन वी राइट द समरी एज वेल एज एन ऐसे ऑन कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. These are some questions from previous year's question papers. देखिए questions कैसे पूछे जाते हैं. How has communication education revolutionized the world? तो किस तरीके से संचार शिक्षा ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है, पूरी दुनिया को बदल दिया है. And the second question is, what does information technology deals with? तो IT, information technology जो है वो क्या काम करता है, किन चीजों से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द एसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इस चैप्टर की एक समरी लिखनी है. तो जब क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है तो ये 200 वर्ड्स का होगा या कभी कभी 150 वर्ड्स का भी पूछा जाता है. लेकिन जब यही क्वेश्चन एसे में आएगा देन यू हैव टू राइट योर आंसर इन एटलीस्ट 300 वर्ड्स. 3 पेजेस में कम से कम आपको अपना आंसर लिखना होगा. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से बहुत ही इजी वर्ड्स में आप इसकी समरी को ही ऐसे में यूज कर सकते हैं. जैसे देखिए मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के आधुनिक साधन. तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा. एंड देन एसे इज आल्सो आस्क्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी पर भी एसे पूछा जाता है. एंड देन यूज ऑफ इंटरनेट. तो इस चैप्टर की समरी में काफी सारा पोर्शन जो है दैट इज डिवोटेड ऑन यूज ऑफ इंटरनेट, उसको भी आप एसे में लिख सकते हैं. तो ये जो चैप्टर की समरी है इट कवर्स एन एसे ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का आपका एसे भी प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ये चैप्टर की समरी को प्रिपेयर कर लेंगे. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, संचार शिक्षा और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी. संचार शिक्षा और सूचना तकनीकी. तो इस चैप्टर में चलिए देखते हैं कि आईटी होता क्या है. 21st सेंचुरी इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन एजुकेशन. जो 21वीं शताब्दी है वो संचार शिक्षा का युग है. द एज इज ऑलरेडी इन द ग्रिप ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो आज का जो युग है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, विशेष रूप से सूचना और संचार के क्षेत्र में. थ्रू आउट द वर्ल्ड द गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एफर्ट्स to make maximum use of IT in improving their effectiveness in business and giving a better quality of life to their citizen. Throughout the world, पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं वो taking efforts, कोशिश कर रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा IT मतलब सूचना तकनीकी का यूज कर सके ताकि अपने बिजनेस को इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावशाली बना सकें, साथ ही गिविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देयर सिटीजन, अपने देश के नागरिकों को जीवन का एक अच्छा स्तर प्रदान कर सकें. फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईटी. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये आईटी है क्या. आईटी डील्स विथ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा स्टोरेज, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी क्या है. इट डील्स विद इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये सूचना तंत्र से संबंधित है जो कि डाटा को, आंकड़ों को स्टोर करके रखता है.
उनका विश्लेषण करता है एनालिसिस, और उन आंकड़ों के आधार पर इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, हम निर्णय ज्यादा स्मार्टली ले पाते हैं, ज्यादा अच्छा निर्णय ले पाते हैं किसी भी संस्था को और बेहतर बनाने के लिए। तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। When we talk about IT, it's not limited to data only. इसमें सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, ये जो सूचना तंत्र है वो कंप्यूटर के हेल्प से स्टोर और एनालिसिस किया जाता है, और इस कंप्यूटर के माध्यम से हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, डाटा, इन सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। The technology of present as well as future, it is IT. IT है क्या? ये आज की भी तकनीक है और आने वाले समय हमारे भविष्य की भी टेक्नोलॉजी है। With the help of IT, messaging, emails, voice and video calls become faster and cheaper. तो इस IT की बदौलत मैसेज करना या ईमेल भेजना, वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो कॉल्स हो, ये सब फास्टर, बहुत तेज गति से हो रहे हैं, और चीपर मतलब बहुत कम रेट पर, बहुत कम कीमत पर हो रहे हैं। दिस कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशनरी चेंज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, और आईटी में इतनी क्षमता है कि वो जीवन के हर एक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। ओके, टेलीफोन, कंप्यूटर एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजीज आर द रियलिटीज ऑफ 20th सेंचुरी। तो टीवी और कंप्यूटर, ये 20वीं शताब्दी की बात हो गई। नेक्स्ट सेंचुरी, ये जो 21st सेंचुरी है, इट इज द एज ऑफ हाई स्पीड नेटवर्क, ऑल्सो कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज। तो आज का जो युग है 21st सेंचुरी का, ये हाई स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड का युग है, जिसको हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं। दीज हैव ग्रेट यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इस हाई स्पीड इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड का, हर एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान है। एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में, अब देखिए हम जो ऑडियो वीडियो, जितने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आईटी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए ही हैं, साथ ही हेल्थ सेक्टर में, एक एक सेक्टर को भी अगर हम देखें, तो आज किसी भी एक छोटे से प्लेस के डॉक्टर्स भी इंटरनेशनली बड़े बड़े डॉक्टर्स से कंसल्ट कर पा रहे हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली इन ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, आईटी हैज अ ग्रेट यूज। Following the steps of Britain, India is planning to create a national grid. तो ब्रिटेन ने अपने पूरे देश में इंटरनेट का एक जाल बिछा लिया है, ताकि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट किया जा सके। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए, इंडिया ने भी एक प्लानिंग की है, योजना बनाई है, टू प्रिपेयर अ नेशनल ग्रिड, एक नेशनल ग्रिड का निर्माण किया जा सके, जिससे इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट पर आधारित ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको सबको आपस में कनेक्ट किया जा सके, विच विल सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट ऑल लेवल्स, ताकि टीचिंग लर्निंग की जो ये प्रक्रिया है वो ऑल लेवल्स, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, आईटी की सहायता से एजुकेशन को ज्यादा डेवलप किया जा सके। द वर्ल्ड टुडे इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल विलेज। तो आज का युग जो है, ये पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव की तरह है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन बिजनेस, वन हैज टू हैव द कॉम्पिटिटिव एज, विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू आईटी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमको कॉम्पिटिशन करना है, वहाँ अगर सर्वाइव करना है, तो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से हम अपने यूथ को स्किल्ड बनाएंगे, तभी हमारे मार्केट, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा मार्केट जो है चाइना के प्रोडक्ट से भरा पड़ा है, इसलिए क्योंकि
वे आईटी लिटरेट हैं, उनके यूथ स्किल्ड हैं, इसीलिए वो कम कॉस्ट पे ज्यादा मतलब अच्छी चीजें दे पाते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। 5 रुपए के एक पेन में आपको एक तरफ टॉर्च लगा हुआ मिल जाएगा, साइड में उसमें एक चाकू भी लगा होगा, और वो पेन भी 5 रुपीज में अवेलेबल होता है। वो इसीलिए क्योंकि उनके यूथ जो हैं वो स्किल्ड हैं, शिक्षित हैं, और वो आईटी लिटरेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हैं। सो आईटी मस्ट बी एनकरेज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आर्थिक क्षेत्र में, साथ ही सांस्कृतिक विकास के लिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन शुड बी लिंक्ड विद इंडस्ट्री। तो जो अकादमिक या शैक्षणिक संस्थान हैं उनको इंडस्ट्री से जोड़ा जाना चाहिए, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस स्किल्ड यूथ। वो जो युवा शिक्षित करें वो स्किल्ड हों, उनको कौशल की जानकारी हो, हु कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट और बिकम एंटरप्रेनर्स, ताकि वो आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें या फिर अपना स्वयं का बिजनेस या उद्यम शुरू कर सकें। सिमिलरली आईटी सेक्टर शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव अवर नेशनल गोल्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसका योगदान होना चाहिए हमारे राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में, नेशनल गोल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ताकि आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसके प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण में और उसके प्रमोशन में आईटी इंडस्ट्री या सूचना तकनीकी का उपयोग हो सके। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट रेट। तो तकनीकी में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बहुत तेज गति से हो रहे हैं। द ड्रीम ऑफ यस्टरडे इज द रियलिटी ऑफ टुमारो। तो कल तक जो चीज सपना था आज वो वास्तविकता है या कल वो वास्तविक हो जाएगा। अवर यूथ कैन नॉट बी इफेक्टिव इन टुमारोज वर्ल्ड इफ दे आर ट्रेन्ड इन यस्टरडेज स्किल्स। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को पुरानी तकनीकी की ही जानकारी दें तो वो कल के आने वाली दुनिया में उस कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे। हर कदम पर तकनीकी ज्ञान से उनको अपडेटेड होना जरूरी है, और ये सूचना तकनीकी के बिना संभव नहीं है, इंटरनेट के बिना संभव नहीं है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से विकास कर रही है, उसके साथ साथ चलने के लिए हमें आईटी इंडस्ट्री की आवश्यकता है। सूचना तकनीकी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हेंस कैचिंग द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को हमको इसका फायदा उठाते हुए आईटी इंडस्ट्री एंड एजुकेशन सिस्टम शुड वर्क टुगेदर फ्रॉम नर्सरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल। तो आईटी लिटरेट हमारे देश को सूचना तकनीकी में शिक्षित बनाने के लिए प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, तो प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक आईटी को शिक्षण संस्थानों में इन्वॉल्व करना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। विदाउट दिस वी कैन नॉट ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया एन आईटी लिटरेट स्टेट। आईटी की सहायता के बिना, सूचना तकनीकी के बिना, हम अपने देश को आईटी लिटरेट, सूचना तकनीकी के शिक्षित देश के रूप में विकसित नहीं कर सकते। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर में लिखना हो तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, ये लगभग 300 वर्ड्स का होगा, ताकि जब आप एग्जाम में इसे लिख पाएं तो कम से कम आप 150 या 200 वर्ड्स में लिख सकें। बट वेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट एज एन एसे, अगर आप 300 वर्ड्स के लिए लिखते हैं तो आपको थोड़ा लेंदी लिखना पड़ेगा। ओके, सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप राइटिंग योर कॉमेंट्स एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज टू। थैंक यू।